30 साल बाद ऐसे दिखते हैं आशिकी वाले हीरो राहुल रॉय। मां से अफेयर की खबर तक उड़ चुकी है। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी आशिकी के हीरो राहुल रॉय का आज जन्मदिन है। इस फिल्म से राहुल को काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो बॉलीवुड में ज्यादा टिक नहीं पाए। अचानक राहुल लाइमलाइट से गायब हो गए और फिर कुछ साल बाद बिग बॉस सीजन 1 में आए। आइए राहुल के जन्मदिन पर एक नज़र उनके फिल्मी करियर पर। राहुल आज अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। क्या आप जानते हैं आशिकी के बाद राहुल के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी, जब उन्होंने 47 फिल्में साइन की थीं, जिनमें से 19 लोगों के पैसे वापस कर दिए थे। एक वक्त ऐसा था जब उनकी 23 फिल्में फ्लोर पर थीं और दिन में 3 फिल्मों की शूटिंग करके वो रात में अन्य फिल्मों के लिए काम किया करते थे। यह सिलसिला करीब 6 साल चला, लेकिन धीरे धीरे उनकी चमक फीकी होती चली गई। फिल्में न मिलने के बाद राहुल ऑस्ट्रेलिया चले गए। बीच बीच में वे भारत भी आते रहे। राहुल रॉय को दर्शक लगभग भूल चुके थे, पर बिग बॉस ने उन्हें नया नाम दिया। राहुल रॉय बिग बॉस के पहले सीजन का हिस्सा थे और इसके विनर रहे थे। राहुल रॉय ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार उनकी और उनकी मां के अफेयर की खबर अखबार में छप गई थी। दरअसल वह एक पार्टी में अपनी मां के साथ गए थे। राहुल ने बताया था, इस पार्टी में मैं अपनी मां साथ डांस कर रहा था। अगले दिन अखबार में खबर छप गई कि राहुल का एक उम्रदराज महिला से अफेयर है। अब राहुल मुंबई में ही रहते हैं और एक बार फिर इंडस्ट्री में वापसी करने को तैयार हैं। उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस भी खोला है। राहुल सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। हाल ही में वे कपिल शर्मा के शो में नजर आए थे, जहां उन्होंने खुलासा किया था कि शाहरुख खान की फिल्म डर पहले उन्हें ऑफर की गई थी।